प्रीलिम का मतलब जो एडमिशन कराते हैं तो क्या टेस्ट होता है? ये डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है क्या? हम कोटा में जब भी जाएंगे तो क्या टेस्ट होगा? कैसे हम टेस्ट देंगे? टेस्ट में मतलब पास हो पाएंगे या नहीं? टेस्ट देना भी है नहीं भी देना है? हेलो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रीलिम का मतलब जो एडमिशन कराते हैं तो क्या टेस्ट होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही देखिए कमेंट में आता है और बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है जो कि कोटा नहीं आए हैं एडमिशन कराने के लिए, मतलब आना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि क्या हम कोटा में जब भी जाएंगे तो क्या टेस्ट होगा? एडमिशन का पहले टेस्ट देना होगा कि ऐसे एडमिशन हो जाएगा? देखिए, टेस्ट देना भी है नहीं भी देना है। पहला नंबर टेस्ट है वो स्कॉलरशिप का है, वो आपके मन का है, ठीक है। स्कॉलर मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं देने का मन है मत दीजिए। स्कॉलरशिप में आप लोग जानते हो क्या होता है, अगर आप लोग का मार्क्स उसमें अच्छा आता है तो आपको फी कम होता है, ठीक है। उसमें फिक्स आता है कि इतने मतलब मार्क्स आएंगे तो इतना आपका फी कम हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपका पूरा ही फी कम हो जाएगा, वैसा नहीं रहता है। मार्क्स का अकॉर्डिंग मतलब उसमें कम होता है आप लोगों का फी। और हाँ, जो कि टेस्ट है वो आपके मन का है, आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को बता दें कि जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट हो जाता है। ये आप लोग मतलब कितने लोग टेंशन भी होते हैं कि कैसे हम टेस्ट देंगे, टेस्ट में मतलब पास हो पाएंगे या नहीं, मंथली टेस्ट होता है या हर वीक में होता है एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो ये टेंशन नहीं रखना है। कोई भी टेस्ट ऐसे मतलब ऑफिशियली टेस्ट नहीं होता है एडमिशन के लिए। आप लोग डायरेक्ट आएंगे, फॉर्म भरेंगे, मतलब फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रोसेस है वो हम एक वीडियो में लाने वाले हैं, ठीक है। एडमिशन 2023 में कैसे लेंगे आप लोग, वो सभी चीज़ मतलब वीडियो में लाने वाले हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद हो सके आए, ठीक है। तो देखिए, एडमिशन लेने का प्रोसेस हम उसमें बता देंगे, वो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इसमें अभी और चीज़ बताना है तो वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। तो देखिए, जैसे कि टेस्ट का बात हो गया, हम और चीज़ भी बात कर ले रहे हैं इसी में, मतलब कवर कर ले रहे हैं जो कि आप लोग हर मतलब जो आप एडमिशन ले लिए, ठीक है, कोचिंग में आ गए तो क्या कोचिंग में जब पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में भी टेस्ट होता है? ये भी हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन हो कि क्या मंथली टेस्ट होता है या हर वीक में होता है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन होगा, हम जानते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं उनका क्वेश्चन होगा क्या इस तरह से टेस्ट होता है या नहीं होता है। पहला नंबर आपको मालूम चल गया कि एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट है तो स्कॉलरशिप का, वो आपके मन का है देना है या नहीं देना है। दूसरा नंबर, जो कि आपका क्लास में टेस्ट होता है या नहीं होता है, देखिए टेस्ट होता है, इसमें भी दो तीन तरह का टेस्ट होता है क्लास में भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि दो तीन तरह का कैसे होता है, जो कि हम तो मतलब नीट यूजी का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब तो हम इसके रिलेटेड मतलब नीट के बारे में बता सकते हैं। शायद जेई में भी यही सेम हो सकता है, होगा टेस्ट का जो तीन टाइप है वो भी हो सकता है। देखिए, पहला नंबर जो हर वीक में होता है टेस्ट, वो होता है मतलब हमें 11th में पिछले ईयर से हमने ये टेस्ट स्टार्ट हुआ था कुछ मंथ बाद से, लेकिन 12th में ये शुरुआत से ही स्टार्ट हो गया था, मतलब हर वीक टेस्ट होना। इसका जो बर्न टेस्ट होता है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं मतलब NCERT से ज़्यादातर रहता है बेस, इससे प्रिपरेशन आपका हो, ठीक है, इसलिए बर्न टेस्ट होता है। वैसे भी क्वेश्चन मतलब मिलाज वगैरह सब कुछ क्वेश्चन रहता है नीट के लेवल के टाइप से, कब का प्रिपरेशन हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, बर्न टेस्ट तो आपका ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, ये ऑनलाइन होता है हर वीक में, हर वीक में नहीं होता है, मतलब 2 या 3 वीक में होता होगा, ठीक है। वैसे एक मंथ में 4 वीक होता है ना, तो उसमें 2 या 3 बार होगा और एक बार माइनर हो जाएगा, नहीं तो मेजर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टेस्ट होता है, जितना आपका कवर टॉपिक होगा ना। देखिए, जो बर्न टेस्ट होता है वो 360 का होता है नीट में, ठीक है, क्योंकि इसमें 45 क्वेश्चन आता है। अगर बायोलॉजी का होगा तो 90 मतलब क्वेश्चन आता है, और जो माइनर मेजर होता है उसमें मतलब 720 आता है, जो कि नीट जैसे आता है पेपर वैसे ही इसमें होता है। माइनर और मेजर में पूरा मतलब क्वेश्चन आता है 180, मतलब जितना हो रहा है करना रहता है सॉल्व आप लोगों को। आप लोगों को हम मतलब लग रहा होगा बहुत ही जानकारी आपको मिला होगा इस वीडियो से, ठीक है। हम हर टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और आप लोगों को इस वीडियो से अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा ना, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई के पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी अपलोड करें आप लोगों को मिल जाए। और अगले वीडियो आप लोग को बता दिए, एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि 2023 में कौन मतलब कैसे एडमिशन लेंगे, क्या क्या मतलब लगेगा, क्या नहीं लगेगा, एडमिशन कैसे लेंगे, हर कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो स्किप कर या छोड़ के चले गए होंगे अभी तक वीडियो, उनका तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना। और जो वीडियो देखेंगे अच्छे से, उनका तो हम जानते हैं प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया अगले वीडियो क्या आने वाला है। तो अभी वीडियो देखिएगा, अच्छा वीडियो होगा, वो भी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, क्योंकि हम लोग हर बार कहते हैं ये कोई कॉमेडी मतलब चैनल नहीं है, यहाँ सब सिर्फ मतलब कोटा के लिए अभी चल रहा है मतलब चैनल, जब तक कोटा में है मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को हम चाहेंगे यहीं पर एंड कर दें, और आप लोगों से यही चाहेंगे कि जब भी आप मतलब कोटा आए उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।